हेलो रन, माय नेम इज़ गिनी एंड यू वाचिंग अ न्यू वीडियो ऑफ लाठीगर एक्सेसरीज करमपुरा न्यू दिल्ली। आज की वीडियो में हम लोग ऑडियो सेटअप के बारे में बात करेंगे। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। ये कार SX मॉडल है, हुंडई वेन्यू। इसके अंदर ऑलरेडी आर्कम में साउंड लगकर आता है, एक्सटीरियर चार स्पीकर्स। बट जब बात आ जाती है शौक की, बात आ जाती है नॉलेज की, तो ये इसका सेटअप कुछ भी नहीं है। इस कार के अंदर हम लोग ने जो सेटअप किया, दैट विल ब्लो योर माइंड। मतलब ज़बरदस्त चीज़ है। और मैं आज ठोक के बात बोलता हूँ, स्पीकर्स के ऊपर इससे अच्छी चीज़ नहीं आती है। हमने इस कार के अंदर हार्मन कार्डन का फ्लो 600 CF लगाया। 90,000 रुपीज़ इसकी MRP है। बट आपने हार्मन कार्डन के होम थिएटर देखे हैं, एयरफोन्स देखे हैं, उसके बाद आपने अलग अलग स्पीकर्स देखे होंगे अलग टाइप के। बट ये कार के लिए स्पीकर्स बनाते हैं हार्मन कार्डन, और एक ही मॉडल आता है, और इससे अच्छा कोई स्पीकर है ही नहीं। मतलब मान लो कि वर्ड्स भी नहीं है बोलने के लिए, मैं बोलूँ ये अच्छा है वो अच्छा है, दिस इज़ द एंड। अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो, अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है, अगर आप इतने शौकीन हो, तो दिस इज़ द ऑप्शन माई फ्रेंड, जो आप चूज़ कर सकते हो किधर भी बैठ के, ये मेरा वादा है। रियर डोर में हम लोगों ने इन्फिनिटी के रेफरेंस सीरीज़ के कॉम्पोनेंट लगाए हैं। इन सबको जो हमारा पावर करेगा वो करेगा JL ऑडियो का JD 400 एम्पलीफायर। इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंड पावरफुल एम्पलीफायर। इसको ट्यून करेगा जो इसका ब्रेन है बेसिकली, जो मदरबोर्ड है इसका बेसिकली, वो है नाकामिची का हमारा 6-चैनल DSP जो हमने इसके अंदर लगाया। ये ही डिसाइड करता है, यही अलाउ करता है कि कौन से स्पीकर को कितनी फ्रीक्वेंसी जानी चाहिए। यही डिसाइड करता है अलग अलग चैनल्स बेसिकली। 6 चैनल हमारे को इनपुट चाहिए, 6 चैनल हमारे को बनानी पड़ती है, और वही सेम आगे इसके अंदर जाती है। बट कभी भी ऑडियो सेटअप करने के लिए हमारे को 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। वो ये है कि हम जो चीज़ें परचेज कर रहे हैं, क्या वो सही से फिट हुई हैं। प्रॉपर वे ऑफ डैम्पिंग, प्रॉपर वे ऑफ वायरिंग, प्रॉपर समझ लो कि भाई चूजिंग द राइट प्रोडक्ट्स, इंस्टॉलिंग द राइट प्रोडक्ट्स इन योर कार, तभी वो जाके इफेक्ट नज़र आएगा आपको। इस कार को बेसिकली कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने एक स्टेपनी सबवूफर भी ऐड किया। वो हमारा डिक्की में है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। कोई आपकी स्पेस नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं लेगा, आपके स्पेयर टायर के अंदर ही, स्टेपनी टायर के अंदर आप उसको रख सकते हो। और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बेस को जो मिसिंग थंब था, वो हमारे को कंप्लीट कर रहा है। बट येस, नो डाउट, इसके अंदर हमारी जो क्लैरिटी आ रही है उसका कोई लेवल ही नहीं है। अभी मैं आपको इसकी फिटमेंट दिखा रहा हूँ कि हम लोगों ने फिटमेंट इसकी कैसे की हुई है। फिर आपको दिखाऊंगा इसका म्यूज़िक भी दिखाऊंगा। नॉर्मल बॉलीवुड सॉन्ग के अंदर कॉपीराइट की कोई टेंशन नहीं है, बट आपको वो फील आनी चाहिए जो फील हम लोगों ने यहाँ पर इस समय ली हुई है। यहाँ पर हमारे को देखने के लिए मिलेगा हमारी फिटमेंट। हम लोगों ने चारों डोर के अंदर डैम्पिंग की हुई है। हमारा हार्मन कार्डन का स्पीकर, उसको प्रॉपरली हम लोगों ने प्रोटेक्ट किया हुआ है एक वाटर गार्ड से, सो दैट किसी भी तरीके का पानी अगर अंदर जाता है तो उसको स्पीकर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये क्रॉसओवर है हमारा, ये हमारा ट्विटर है, अभी इसकी प्रॉपर फिटमेंट होगी। बट मैं जैसे बोल रहा था कि चूजिंग द राइट प्रोडक्ट्स एंड इंस्टॉलिंग दम इन अ राइट वे, ये बहुत ज़रूरी है। हमने नाकामिची का प्रोसेसर और JL ऑडियो का एम्पलीफायर, सीधा प्रोसेस ऑफ द वायरिंग, सीधा वे ऑफ द वायरिंग, सारी वायरिंग अंदर का कारपेट है। उसके बाद अभी सीट जब इसके ऊपर इंस्टॉल हो जानी है, तो जहाँ तक हमारा मैट है, इधर तक हमारा पैर जाता है। आपका कहीं पर भी कोई वायरिंग किसी किस्म से आपके पैरों में नहीं आने वाली है। सेम हमने चारों डोर्स के अंदर कॉम्पोनेंट फिट किए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका रियर सबवूफर जो हमने इसके अंदर लगाया है। अभी ये हमारा यहाँ पर बूट है। आप बोलोगे यार मेरे को जगह तो कॉम्प्रोमाइज़ करनी नहीं है, हम लोगों ने बूट के अंदर ही सबवूफर को इंस्टॉल कर दिया है, जो हमारा स्पेयर टायर व्हील होता है, कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रॉपर हम लोगों ने इसके नीचे डैम्पिंग भी की हुई है, सो दैट किसी तरीके का रैटलिंग नॉइज़ या फिर किसी तरीके की डिस्टॉर्शन आनी नहीं चाहिए वूफर की तरफ से। आपको जब मर्जी टायर निकालना है, अगर कोई सी प्रॉब्लम है, आप इसके नट को खोलो, स्पेयर सबवूफर को रख दो, स्पेयर टायर को बाहर निकाल लो और वापस इसको रख दो। फिटिंग हमने बहुत फ्रेंडली की हुई है कि किसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी नहीं। इंस्टॉलेशन बहुत ज़रूरी होती है, कभी भी आप कोई भी ऑडियो सेटअप करा रहे हो तभी वो मज़ा आ पाता है। तो अभी इसके बाद देखते हैं इसकी साउंड कैसे निकल कर आ रही है।